हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट टू। तो हम बैठ चुके थे अपनी ट्रेन में और हमारी ट्रेन चल पड़ी थी कोलोन से वुपलटाल की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है हैंगिंग ट्रेन। राहुल कहता है मुझे यहाँ आज जाना ही जाना है, चाहे मुझे आज शाम हो जाए। तो हम निकल पड़े थे आगे। फिर मैं वेट करने लग गया था राहुल की। राहुल अपने फ़ोन पे कुछ सर्च कर रहा था, मे बी वो अपने लोकेशन सर्च कर रहा था। और ऐसे ही हम पहुंच गए थे अपने हैंगिंग ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर। आपको दिखाता हूँ हैंगिंग ट्रेन कितना प्यारा है। सीरियसली बहुत मज़ा आया इस ट्रेन में। और मैं वेट करने लग गया था अपनी ट्रेन की, और जैसे कि आप देख सकते हो ये दूसरी साइड से आ रही है ट्रेन, तो अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा अपनी ट्रेन की। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी और मैं और राहुल बैठ चुके थे। और इसका जो व्यू है बैक साइड का, ये वो व्यू है, क्योंकि वहाँ पे लगा था बहुत बड़ा ग्लास बैक साइड पे। और मैं और राहुल चाहते थे कि हम यहीं बैठे। राहुल कहता है आज चाहे मुझे दो बार राउंड लगाना पड़े, लेकिन मैं पीछे बैठ के तो एक बार जाऊँगा ही जाऊँगा। तो इसी फन के साथ हमने इस राइड को कंटिन्यू रखा है। देखते रहिए। अब भी एंजॉय करो इस नज़ारे को, क्योंकि ये देखने में कुछ ज़्यादा ही अलग एक्सपीरियंस दे रहा था और वाकई ही बहुत मज़ा आया। ये कुछ वुपलटाल का, जो वुपलटाल सिटी है वहाँ का लोकेशन है। और ये शहर बहुत ही प्यारा लग रहा था जब हम अंदर की तरफ से देख रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो, हर व्यू बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, बिकॉज ये वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ हूँ और हमें पहले राउंड में मौका नहीं मिला था बिल्कुल पीछे बैठने का। तो हमने डिसाइड किया कि हम फिर से इस ट्रेन में बैठेंगे और पूरे आधे घंटे का राइड होता है ये सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के वुपलटाल सिटी में ही चलता है। मुझे यहाँ से बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार था। सीरियसली कभी भी आप वुपलटाल जाओ तो इस हैंगिंग ट्रेन में ज़रूर जाना, क्योंकि इसका राइड एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर बाद राहुल भी इस सीट पे बैठ गया था, क्योंकि राहुल बार बार रोने लग गया था मेरे सामने बच्चों की तरह, मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। फिर मैं कैसे उसको मना करता, क्योंकि जिस एंगल से वो ज़मीन पे लेट के रो रहा था तो मुझे उसे बैठाना पड़ा। फिर उसने रिकॉर्ड किया ये वाला नज़ारा। ये व्यू वाकई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फिर हम उतर चुके थे अपने ट्रेन से। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसकी वीडियो बिल्कुल इसके नीचे साइड से बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे था एक लेक और रिवर समथिंग, और ऊपर चल रही थी ट्रेन। इस ट्रेन की राइड के बाद हमने डिसाइड किया वापस जाने का। तो हम अपनी ट्रेन पकड़ के वापस आ गए थे वुपलटाल के बानहोफ पे, मींस की रेलवे स्टेशन। और वहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह था, सामने की तरफ बिल्कुल खाली, लेकिन इसके बिल्कुल सामने बहुत ज़्यादा रश। फिर हम ट्रेन पकड़ के वुपलटाल से चले गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है डुसेलडोर्फ। और ये था डुसेलडोर्फ का सबवे का रास्ता।
जैसे हम बाहर निकले व्यू कुछ ऐसा था, ये था वहाँ का सिटी हॉल। फिर हम चले गए थे नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस पर, ये था पॉलिटिकल डिस्कशन हॉल और उसके सामने का व्यू कुछ इस तरह था कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ये था इसका फ्रंट और इसके फ्रंट का नज़ारा कुछ इस तरह था। उस दिन वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा सही लग रहे हैं और हमने इस नेचर को पूरा इंजॉय किया। फिर हम जाने लगे थे रिवर की साइड पर और ये कुछ इस तरह का नज़ारा था कि ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि मज़ा आ गया। राहुल यहाँ हाय बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उसका साइड ब्लॉक कर रहा था, फिर मैंने उसको एक साइड से हेलो बोलने का मौका दिया। ये फिर से अपने फ़ोन पे लग गया था सर्च करने में कि हमने अभी कहाँ पे विज़िट करना है। तो हम चले गए थे अपने नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस पे, ये था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ये था डुसेलडोर्फ का बानहोफ का एक नज़ारा और यहाँ से हमारे सामने से जा रहा था ट्राम। फिर हमने डिसाइड किया घर वापस जाने का, तो हम चले गए थे रेलवे स्टेशन के अंदर, फिर पकड़ी हमने अपनी ट्रेन और निकल पड़े हम घर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।